भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया। संजय जायसवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव में बूथों के बंटवारा में बहुत ही गड़बड़ी हुई थी। कई इलाकों में बूथ बहुत दूर था, वहीं एक ही परिवार के कुछ सदस्य का नाम एक बूथ पर और कुछ का नाम दूसरे बूथ पर था। हम चुनाव आयोग से यह आग्रह करने आए थे कि एक बार फिर से बूथों का सत्यापन हो और उस बूथ का निरीक्षण हो ताकि परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही बूथ पर हो। इस चुनाव के दरमियान जब बूथों का बंटवारा हुआ तो दो बहुत बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। पहली समस्या ये थी कि बहुत सारे बूथों से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर वोटर थे और उन्हें कुछ तो ऐसी भी बूथों की शिकायत मिली जहां 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वोटर थे। और दूसरा ये कि बूथों का बंटवारा जब हुआ तो एक ही परिवार के आधे सदस्य एक बूथ पर थे और कुछ सदस्य जो बाद में जुड़े वो दूसरे बूथ पर चले गए। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में यह अनुरोध करने गए थे कि यह सभी बूथों की पुनः एक बार जियो फेंसिंग होनी चाहिए कि किस बूथ का कितना इलाका रहेगा, इसका एक पूरा पुनर्निरीक्षण हो और उसके साथ ही उस इलाके के वोटर का पूरा लिस्ट पुनः एक बार उसको ठीक किया जाए जिससे कि परिवार के सभी सदस्य एक ही होल्डिंग पे आ सकें, जिससे कि यह अगर कभी फिर भविष्य में बूथों का बंटवारा होता है तो उससे दो जगह पर बूथ नहीं हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या अभी है कि किस वोटर को किस जगह जाना है उसे भी ठीक से पता नहीं होता है। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और आज हमारे पास सैटेलाइट और एरियल सर्वे के पूरे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर चुनाव आयोग यह कर दे कि इस इलाके के लोग इसी बूथ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसका एक चुनाव आयोग ऐप जारी कर दे, तो सभी जो भी नए मतदाता जुड़ते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उन्हें किस बूथ पर जाना है और सभी की दूरी बूथ से घरों की नज़दीक हो जाएगी और यह कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कोई एक खास परिवार के ही दो सदस्य होते हैं उनका बूथ कोई और हो जाता है, कुछ परिवार के सदस्य का अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से अब समय आ गया, चूँकि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह एक चुनाव आयोग को पूरी योजना बना करके अपने वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करके और नए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।